हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एक्चुअली सेम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपने इसको एक बार बना के खा लिया तो ये आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और अगर आपने इसको बनाना एक बार सीख लिया तो आप इसी रेसिपी से और भी कई सारी डिशेज बनाना सीख पाएंगे, जैसे कि पनीर चिल्ली, चिल्ली चिकन, फिश चिल्ली वगैरह। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी सी, हमने कैप्सिकम ली है, दो मीडियम साइज की प्याज और दो ग्रीन चिल्ली। प्याज को हमने ऐसे डाइस काट लेना है, थोड़े से बड़े बड़े डाइस काटे हैं प्याज के, ये देखिए। और वैसे ही हमने शिमला मिर्च को भी काट लिया है और ग्रीन चिल्ली को हमने थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है यहाँ पे। और साथ में चाहिए चॉप गार्लिक और चॉप जिंजर। और तीन हमने यहाँ पे बॉयल एग लिए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब इनको हमने ऐसे देखिए एक के चार हिस्सों में काट लेना है एग को। आप चाहें तो एक के दो पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे एग्स को काट लिया है। और अगर आप एग योक नहीं खाते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए अब इनके लिए बैटर बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर, तीन छोटे चम्मच लिए यहाँ पे मैंने, और तीन चम्मच ही डालेंगे इसमें मैदा। मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इनको अच्छे से क्रिस्पी कर देगा बाहर से। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे सीजवाइन सॉस। अगर आपको नहीं बनाने आती है तो इसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि सारे चाइनीज खाने का टेस्ट इसी से आता है। थोड़ा सा यहाँ पे एग वाइट डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि हम जब अंडों को फ्राई करेंगे तो वो फटे ना फ्राई करते टाइम। और पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने इसका जो बैटर बनाना है वो एक थिक बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला बैटर ना बनाए, नहीं तो आपके जो एग्स हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए मैंने दो बार करके थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लें। लम्स नहीं बचने चाहिए बैटर में, आप चाहें तो हाथ से भी इसको मिला सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो बैटर है वो ऐसा थिक होना चाहिए। अब जो हमने एग्स लिए थे उनको हमने मैदे की थोड़ी थोड़ी ऐसे डस्टिंग कर लेनी है, इससे आपका जो बैटर है इसके ऊपर अच्छी तरह से बाइंड हो पाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे एग्स को अच्छे से इसे डस्टिंग कर लिया मैदे से। इसके बाद एग्स को बैटर में डिप कर देंगे। तो कम कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि अगर एक ही बार में अगर सारे एग्स को आप बैटर में डाल देंगे तो इनका जो एग योक है वो बैटर में निकल जाएगा। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रहेगा यहाँ पे। अगर हम इनको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो इनका जो बैटर है वो कढ़ाई की सतह पर बैठ जाएगा और इनको अच्छे से बाइंड ही नहीं हो पाएगी। तो इनको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो देखिए एक एक करके मैंने सारे एग्स को ऑयल में छोड़ दिया फ्राई करने के लिए। अब हमने इनको अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है और बीच बीच में इनको हिलाते रहें ताकि नीचे से जले ना। देखिए बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आ रखी है इनके ऊपर। अगर आपका बैटर अच्छा बनेगा तो ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे बाहर से। और एक बार जब भी आप एग्स को फ्राई कर रहे हो तो इनसे थोड़ा सा दूर ही रहेगा, क्योंकि ये गर्म ऑयल में केवल फटते भी हैं। तो ये देखिए कम से कम मैंने इनको 70% यहाँ पे पका लिया है। फिर एक बार ऑयल को अच्छे से हीट कर लें और गर्म गर्म ऑयल में इनको एक बार डाल देंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी कोट की हुई चीज़ को दोबारा से फ्राई करते हैं तभी उसमें अच्छा क्रंच आता है। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े वगैरह भी हम ऐसे हाफ डन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम इनको हाई फ्लेम में फ्राई करते हैं तभी उनमें अच्छा क्रंच आता है। तो ये देखिए ये हमारे एग चिली के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो क्रंच देखिए इनमें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बैटर भी इनके ऊपर बहुत ही कम दिखेगा आपको। ये देखिए कितना कम इसके ऊपर कोटिंग है, बहुत ही कम इसके ऊपर कोटिंग है और अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। तो चलिए अब इनके लिए हम मसाला बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच वेजिटेबल ऑयल, ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक, चाइनीज़ खाने में गार्लिक और जिंजर से ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे गार्लिक की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, देखिए। अब गार्लिक को अच्छे से हमने पका लेना है। देखिए गार्लिक पक चुका है, फिर ऐड करेंगे इसमें जिंजर और ग्रीन चिल्ली। इंडियन कुकिंग में जिंजर और ग्रीन चिल्ली को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, नहीं तो खाने को कड़वा कर देते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे डाइस कटे हुए कैप्सिकम और प्याज, और साथ में जाएगी यहाँ पे सीजवाइन सॉस। मैंने आपको पहले बताया था कि चाइनीज खाने का असली टेस्ट सीजवाइन सॉस से ही निकल के आता है, तो आप जरूर सीख लें। और आप इस सॉस को 3 से 4 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 35 से 40 सेकंड तक इनको हाई फ्लेम में पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इनका जो क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमने इनको पका लिया है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम कम कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम ड्राई एग चिली बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही रखी है। अगर आपने ग्रेवी या सेमी ग्रेवी खाना हो तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब सीजनिंग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजीनोमोटो। अगर हम होटल में बना रहे होते तो एरोमेट पाउडर का यूज़ करते हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और आधा चम्मच जाएगा यहाँ पे विनेगर, और यह है डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस लिए, अगर आपके पास लाइट हो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। और एक चम्मच डाला मैंने यहाँ पे टमाटो केचप। होटलों में इसमें टमाटो केचप का यूज़ नहीं किया जाता है, इसकी जगह हम शुगर का यूज़ करते हैं, बट टमाटो केचप से भी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं टमाटो केचप का। अब हमने इसको 20 से 25 सेकंड तक हाई फ्लेम में पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो वेजिटेबल का जो क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। अब एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिला लेना है, लम्स नहीं बचने चाहिए इसमें। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो मसाला है ये सारा एग्स के ऊपर और ये जो कैप्सिकम और प्याज डाले हैं इनके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए फ्लेम यहाँ पे हाई ही रहेगी, और हाई फ्लेम में इसको थोड़ा सा थिक होने देते हैं। अगर आप बिल्कुल ही ड्राई चिली खाना चाहते हैं तो जब हमने इसमें पानी ऐड किया था तो पानी की क्वांटिटी और कम कर लें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए एग्स, और गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम में इसको हमने 15 से 20 सेकंड तक थोड़ा गर्म कर लेना है। और अगर आपके पास हरा प्याज स्प्रिंग ओनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, चाइनीज खाने में स्प्रिंग ओनियन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ये बन गया हमारा एकदम रेस्टोरेंट जैसा एग चिली ड्राई। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, और जब भी आपका कोई चटपटा खाने का मन करे तो आप जरूर ट्राई करें इसको। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।